जोधपुर सांसद और कैबिनेट मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से भेंट कर जोधपुर से नई उड़ान सेवाएं शुरू करने की मांग को लेकर चर्चा की। इसकी जानकारी शेखावत ने ट्वीट कर दी है। साथ ही बताया कि जोधपुर एयरपोर्ट से के विस्तार को लेकर आवश्यक कदम उठाने और इसे जल्द से जल्द शुरू करने को लेकर हरदीप पुरी से चर्चा हुई है। जोधपुर हवाई अड्डा पर जो नंबर ऑफ ऑपरेशनल फ्लाइट्स थी जेट एयरवेज के बंद हो जाने के बाद में बहुत बड़ी चुनौती जोधपुर में खड़ी हो गई थी। जोधपुर से नियमित रूप से एयर इंडिया की और जेट एयरवेज की, स्पाइस जेट की, तीनों की दिल्ली और मुंबई की सेवा थी। अहमदाबाद से जुड़ा हुआ था, इंदौर से जुड़ा हुआ था, लेकिन ये जेट एयरवेज बंद हो जाने के बाद में कुछ सेवाएँ बाधित हुई और स्पाइस जेट को ने जब से ऑपरेशन बंद किया है केवल दो एयरक्राफ्ट रह गए, एक जोधपुर से दिल्ली के लिए और एक दिल्ली से मुंबई के लिए। जोधपुर पश्चिमी राजस्थान की गेटवे है। आज हरदीप पुरी साहब, सिविल एविएशन मिनिस्टर साहब से मिल करके हमने इस समस्या का से निदान में दिलाने के लिए उनसे अनुरोध किया था और उन्होंने भरोसा दिलाया कि निश्चित रूप से जो स्लॉट्स जेट एयरवेज के समाप्त हुए तुरंत ही किसी दूसरे कैरियर को उसके साथ में जोड़ करके उसको जो है जोधपुर की ऑपरेशनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। इसके साथ साथ में जोधपुर हवाई अड्डे के विस्तार का जो काम चल रहा है वो प्रथम चरण का काम जो एप्रिन एक्सटेंशन का है वो कुछ कारणों से धीमी गति से चल रहा था, लेकिन उसके लिए भी उनसे अनुरोध किया है कि वो जो तय समय है उससे जितना डिले हो गया है उतना ठीक है, बस शीघ्र जो है वो पूरा हो जाए। और उन्होंने विश्वास दिलाया कि इन दोनों ही समस्याओं का निस्तारण जो है तुरंत करेंगे। उन्होंने सेक्रेटरी को बुला करके एविएशन, सिविल एविएशन के सेक्रेटरी को निर्देश दिया कि इन दोनों समस्याओं का शीघ्र समाधान हो।